दोस्तों जबरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और इसको आप जरूर घर पे बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मीठे में कुछ बनाने जा रही हूँ और वो है मीठे चावल यानी जर्दा। तो आज हम जर्दा बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनेगी। और इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ज़र्दा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होगी वो आपको मैं बताती हूँ। ये है चुहारे, मैंने लिए हैं एक बॉल जो है, इसको चुहारों को मैंने बॉईल करके फिर इसको उतार दिया। और ये है 3 लौंग, साथ में इलायची पाउडर है। ये बादाम है, इसको भी मैंने बॉईल किया, एक बॉईल आने पर मैंने बादाम को उतार के उसके छिलके उतार दिए थे। और ये है कोपरा, इसको इस तरह स्लाइस इस तरह की शेप में काटना है, ठीक है। और ये किशमिश है, और ये चीनी है, और साथ में जर्दे का रंग है, ठीक है। और ये 1/2 किलो चावल है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखें पानी उबल रहा है, तो अभी जो है हम इसमें चावल में डालूंगी, ठीक है। ये चावल मैंने 20 मिनट के लिए पहले से पानी में भिगो के रखे थे ताकि अच्छे चावल बने। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं चावल को, ठीक है। ये है चावल, तो हमारे बस एक हिसाब से रेडी हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने कच्चापन रहने दिया है, ये 1 फीसद, ठीक है। ये हम जो है दम में पकाएंगे। अच्छा दोस्तों अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ठीक है। इसमें ये जो 3 लौंग है ये डालेंगे। अच्छा ये साथ में ये भी डाल देते हैं बादाम का, और ये साथ में कोपरा, ठीक है। किशमिश भी डाल देते। अच्छा अभी मैं जो है इसमें ये इलायची पाउडर डालूंगी, ठीक है। और साथ में ये जो है चुहारे, थोड़ा सा इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने इसको ऑयल में थोड़ा इन सबको ड्राई फ्रूट को फ्राई किया, अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, ठीक है। इतना पानी है ताकि हमारे चावल भी इसमें हम बन सकें। दोस्तों मैं इसमें जो है ना जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। कोई लोग तो जो है पानी उबलते वक्त जब चावल उबालने के लिए रखते हैं तो उस टाइम में जर्दे का रंग ऐड करते हैं, लेकिन मैं इस टाइम कर रही हूँ। अच्छा दोस्तों अभी मैं इसमें जो है चावल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको जो है फिर हम दम पे रखेंगे
10 से 15 मिनट तक। तो दोस्तों इसको हमने दम दे दिया था 10 से 15 मिनट तक के, 20 मिनट हो गए, थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया। अभी आप देखते हैं ढक्कन उठा के, माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और इसको आप ज़रूर घर पे बनाइए। तो दोस्तों आप लोगों को ये ज़र्दा, मीठे ज़र्दा कैसे लगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपको इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, बनाइए और अपने फैमिली को भी खिलाइए। और बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। दुबई फूड सीक्रेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।